got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, स्नैक लवर दोस्तों। अभी हम जगदीशपुर जमालपुर आए हैं और यहां से वार्ड नंबर 36 से हमें कॉल किया गया है। सत्यम कुमार ने यहां से हमें कॉल किया है। वजह है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। वजह है एक कोबरा सांप है। हाँ, कोबरा सांप देखा गया है यहाँ पर। लोग बता रहे हैं घर के ही जस्ट बगल में कुछ बोरियां रखी हुई है, उसी में वह सांप छिपा हुआ है। तो जहरीला सांप है, लोग बहुत भयभीत हैं। तो हमें बुलाया गया है, चलकर देखते हैं और उसका रेस्क्यू करते हैं। घर में जाना, ये पति से देखो। तो यहाँ पर जो है एक बड़ा कोबरा दिखाई दे रहा है हमें। चलिए उसे दिखाइए, दिखाइए, बहुत बड़ा कोबरा है। और लोगों के डर से ये यहाँ छिपा हुआ है और लोग इसके डर से वहाँ खड़े। थोड़ा शांति बनाइए आप लोग, शांति बनाइए। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी साइज क्या है, बहुत लार्ज साइज का कोबरा है। हवा हवा ही नहीं, हवा मारे का। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग निकालते हैं। खैर तो आराम से अब बहुत हैवी साइज का कोबरा है दोस्तों। ऐसा सांप दिख जाए तो डर बनना वाजिब है। तो इसकी साइज देख सकते हैं, तकरीबन 5 फीट के आसपास इसकी साइज है और काफी लार्ज साइज का कोबरा है। और हम जैसा हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं दोस्तों, ये एक बहुत जहरीला सांप होता है और भारत देश में पाया जाने वाला एक बहुत खतरनाक सांप है। तो ऐसे किसी सांप से खुद को दूर रखें। अगर ऐसा कोई सांप आपको दिखे तो बिल्कुल उसके नजदीक ना जाएं, उससे दूरी बनाएं। हम जैसे स्नेक सेवर से कांटेक्ट करें और इसे उसकी नेचुरल जगह पर रिलीज करवाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह ये नागराज फन फैला कर खड़े हो गए हैं और थोड़ा वजन इसका ज्यादा है। दोस्तों कभी भी ऐसा कोई भी सांप काटे आपको, बिल्कुल झाड़ फूक से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें, सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाएं, जिला अस्पताल, जहां आपको एंटीवेनम की सुविधा मिलेगी और आपकी जान बचेगी। सांप का जहर कोई तंत्र मंत्र से नहीं निकल सकता, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, चौकस रहें। और ऐसे किसी सांप को काटने पर या कोई भी स्नेक बाइट हो, सीधा अस्पताल जाएं। ये एक आर्ट है साथियों, ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें, ऐसा करने का बिल्कुल प्रयत्न ना करें। चलिए अब इसको हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं दोस्तों।
तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस कोबरा स्नेक को अच्छी तरह से पैक कर लिया है। एक और बोल रहा है काला रंग के नीचे डबल यहाँ रहता है, खोल देता है, कर देता है। अगर हो सके होते तो देखिए छोटू तुम आ गए छोटू। हाँ जी और जी आप मत जाइए, अंदर से भी काट सकता है। अच्छा तो वो भाग गए मारवन है अरे छोड़ दे वो करते अपने। तो दोस्तों आपने देखा, हमने इस कोबरा स्नेक का अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया है और इसे ले जाकर हम फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। तो लोग बता रहे हैं कि एक और सांप है, तो चलकर उसका भी तलाश करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हट जा रहे भाव 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 डब्बा पर ध्यान दीजिएगा, डब्बा में सांप है। अरे बाप इधर, हाँ उसे निकालिए, इधर भागेगा, इधर भागे, शांति रहिए आप। हटो हटो आइए, नहीं है एक बार देखिए। भैया नीचे तो मट्टी है खाली, सब गिट्टी का बोरा फट जाएगा, सब गिर जाएगा, गिरने दीजिए क्या देगा? इधर से ले लो। दोस्तों हो सकता है इसी कोबरा को देख के लोग भयभीत हों और दूसरे कोबरा के भय से, क्योंकि आम लोगों में यह धारणा बनी हुई रहती है कि सांप जोड़े में रहते हैं, तो ऐसा बहुत जगह होता है, क्योंकि एक सांप पकड़ने के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरा सांप भी हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा सांप है और अगर छोटा सांप होता तो इसे ये खा गया रहता। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। Come on, come on.